ये देखो, ये जो काम है 1.8 मीटर के ऊपर, वहाँ पे आपको पूरा 100% सेफ्टी रखना होता है। जैसे इस टावर पे काम हो रहा, ऊपर देखो, ऊपर भी हम लोग अर्थिंग लगाए हुए हैं, उसके ऊपर, फिर उसके नीचे, फिर उस साइड से भी लगाए, फिर भी आगे काम चल रहा है, फिर भी बंद किए हुए हैं। क्यों? कि दूसरे के भरोसे हमें नहीं रहना है, हमें अपने काम के भरोसे करना है। अगर मान लो मैं इसको लगा दूँ इस साइड से, जिस साइड में ले वर्कर चढ़ा हुआ है उस साइड से लगा दूँ, और इस साइड नहीं लगाऊँ कि हाँ आगे काम चल रहा है, वो लोग लगाया होगा, अगर वो लोग आज छुट्टी पे होगा तो फिर क्या करेंगे हम लोग? फिर तो मेरा वर्कर का काम कहानी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए दूसरे के भरोसे आपको टावर लाइन में कभी भी नहीं रहना है। यहाँ पे देख लो, 6 अर्थिंग लगा हुआ है, फिर आगे वाले टावर पे भी 6 लगा हुआ, हमारा जो काम चल रहा है, मुझे पता है कि आगे काम चल रहा है, उस पर भी लगा होगा, लेकिन दूसरे के भरोसे हमें बिल्कुल भी नहीं रहना है, ठीक है? और आपका जो ये आपका वो देखो, आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको रस्सी दिख रहा होगा, तो आप बोलोगे रस्सी बांध के लेबर लोगों को चढ़वा रहे हो, मेरे भाई ऐसा नहीं है। इससे पहले रस्सी के पीछे देखो, यहाँ रेक्टोगार्ड लगा हुआ है, रेक्टोगार्ड का एक लिमिट होता है, वहीं तक रेक्टोगार्ड जाएगा, पूरे तार पे थोड़ी नहीं जाएगा भाई मेरे, कभी कभी वहाँ जाना होता है इधर यहाँ पे इंड पे, तो वहाँ पे कैसे जाएगा रेक्टोगार्ड, वहाँ तक नहीं जाएगा। तो ये हम लोग इसको कटका बेल्ट बोलते हैं, इसको ऐसे बना के अच्छे से सेफली, अच्छे से रस्सी का, नया रस्सी का एकदम हार चेक करने के बाद ही हम लोग ऐसा वर्कर को देते हैं, ठीक है? और उनके वहाँ पे भी देखो, वो लोग जो गया है वहाँ पे, वो दो में हुकिंग किया, एक तो उसमें कटका बेल्ट में और रेक्टोगार्ड से जो दोनों अटैच है उसमें, और दूसरा है कि एक तार में। अगर मान रेक्टोगार्ड टूटता है या रस्सी टूट जाता है, तो हमारा बंदा ये क्या बोलते हैं, तार के सहारे पर खड़ा रहेगा। अगर तार टूट जाता है तो रेक्टोगार्ड के सहारे बच जाएगा। किसी भी हाल में आपको सेफ्टी करना है, चाहे आप कैसे भी करो। और उतरने का यही सिस्टम है, पहले हमने रस्सी डाल चुका है, तो वहाँ पे वो लगा के आएगा, और बंदर की तरह नहीं चढ़ जाना है, पूरा सेफली चढ़ना है। कोई हो नहीं हो वो सब आपको नहीं, ये नहीं कि कोई नहीं है, साहब लोग नहीं है, सेफ्टी साहब नहीं, तो बस बंदर की तरह कुत्ते चढ़ गए और बंदर की तरह उतर गए। लेकिन नहीं, ये देखो कितने सेफ्टी से आ रहा है, वहाँ पे रुका, वहाँ पे वो अपना लगा दिया सेफ्टी बेल्ट का जो हुक होता है, वहाँ पे लगा दिया। फुल बॉडी हार्नेस होना चाहिए, ये देखो दोनों लगा दिया, वहाँ पे वो खड़ा है, अब वो कुछ भी करेगा, कोई टेंशन नहीं है उसको, ठीक है? देखो आराम से वहाँ पे वो कुछ भी करेगा, नहीं होगा। ऊपर देखो, मेरा जितना भी वर्कर है सारे फुल सेफ्टी बॉडी हार्नेस के साथ है। अगर आप भाई, इससे डेंजर काम कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये चालू लाइन है, ये इसका काम हम लोग रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं, ये चालू लाइन है, ये नहीं, ऐसा भी नहीं कि नया नया बन रहा है, ये पहले से बना हुआ है और ये पूरा चालू लाइन है भाई। तो इसमें पूरा सेफ्टी करना होता है आपको, थोड़ा सा भी लापरवाही आपके वर्कर की जान ले सकती है। कुछ भी सामान ऊपर से फेंकना नहीं है, वो देखो एक ये रस्सी लगा है, एक इस साइड रस्सी लगा है, कुछ भी छोटा से छोटा चीज नहीं आपको फेंकना है, सब चीज़ आपको बांध के ही नीचे देना है, या नीचे से कुछ भी लेके जाना है तो ऊपर लेके जाना है, और वो भी सेफ्टी से। और वो जो जुगाड़ी होते हैं, सामान कभी भी ऊपर से नहीं फेंकना आपको, सिंपल सा बात ये, वहाँ से एक छोटा सा नट भी गिरेगा ना, तो इतने स्पीड में हवा चल रहा, और दूसरा कि वो हाइट से गिर रहा, तो वो एक बहुत भारी टैप बन जाता है स्पीड की वजह से। ये सब लोग जानते हैं कि ऊपर से कुछ भी आ गया हो तो स्पीड में आएगा, तो वो ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए आपको जो भी करना है फुल सेफ्टी में करना है, ये नहीं कि नीचे ऊपर से कुछ कट किए हैं, या कोई रिंच विंच हुआ, इसको आप ऊपर से डायरेक्ट नीचे फेंक दिए, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना। क्योंकि ये हाइट देखो, अगर वहाँ से फेंकिया, हवा भी चल रही है, स्पीड होते हो नीचे आएगा, किसी को भी लग गया वो उसको हार्म पहुँचाएगा ही, देख रहे हो? देखो यहाँ मेरा दो बंदा बैठा है, ये भी अभी भी रेक्टोगार्ड से है, और सेफ्टी बेल्ट का जो है वो भी, उसका जो हुक होता है वो भी यहाँ पे लगा के वो खड़ा है दोनों, ये भी नहीं एक लगाए एक छोड़ दिए, नहीं, दोनों आपको कहीं ना कहीं लगा के फुल सेफ्टी में रहना है। और वो देखो मेरा बंदा काम कर रहा है नीचे वाले तार पे, फिर भी वो ऊपर वाले पे लगाया एक हुक को। अगर आप नीचे वाले में लगा रहे हो, काम कर रहे हो, तो ऊपर वाले में आपको वो लगाना है सेफ्टी बेल्ट का जो हुक होता है, वो ऊपर कर रहे हो तो उसके ऊपर लगाना,
परमिशन तो ऐसे नहीं है सबसे टॉप में हो तो सबसे ऊपर भी आप लगा सकते हो, लेकिन उसका परमिशन नहीं है, लेकिन सेफ्टी के लिए आप उसको लगा सकते हो, ऐसा कुछ है। बस यही है 1.8 मीटर के ऊपर का सेफ्टी, ज़्यादा कुछ नहीं है। बट जो भी आपका वर्कर हो, ध्यान रखना है कि अच्छे से काम करे, सामान ना फेंके, और सेफ्टी बेल्ट, कटका बेल्ट, ये सब ट्रैक्टो गार्ड, ये सब लगाया हो। देखो मेरा बंदा रहे ना भी, वो सामने से उधर टावर की तरफ जा रहा, उसको देखो, एक कटका बेल्ट में है और वो दूसरा एक तार में लगा, अगर एक गलती से टूट भी जाए तो दूसरे के सारे वो रुक सकता है। अब आप दोनों तार में लगा दोगे तो तार टूटेगा तो भाई आप सीधे नीचे आओगे, इसलिए सेफ्टी ज़रूरी है। सेफ्टी कीजिए और काम कीजिए, क्योंकि इससे डेंजर काम कुछ भी नहीं होता, ये बहुत ही बड़ा डेंजर काम है। थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।